वेलकम टू सरानी सरा बड्डा चैनल। आज हम देखेंगे सेजवान फ्राइड राइस, पर उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए देख लेंगे। सेजवान चटनी, टमाटो सॉस, विनेगर, सोया सॉस, बीन्स, कैरेट, ग्रीन पीस, सॉल्ट, गार्लिक, ऑनियन और बॉइल्ड राइस। अभी मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली हूँ, गैस को ऑन करूँगी। थोड़ा हीट होने के बाद 2 स्पून ऑयल डालेंगे इसमें। थोड़ा हीट हो गया है, अभी ऑयल डालेंगे और ऑयल हीट हो गया है, अभी गार्लिक डालूँगी। फाइनली चॉप्ड गार्लिक है ये, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे अच्छे से। मीडियम फ्लेम में रख लीजिए और धीरे धीरे फ्राई करिए इसको, गार्लिक को। गार्लिक थोड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी इसमें हम डालेंगे सेजवान चटनी। सेजवान चटनी 2 स्पून डालेंगे अभी हम यहाँ पर। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सेजवान चटनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें विनेगर थोड़ा डालेंगे। सोया सॉस थोड़ा डालेंगे। फिर इस सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा टमाटर केचप डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। इसे मिक्स कर लीजिए। सेजवान तो इसका स्मेल बहुत अच्छे से आ रहा है, धीरे धीरे इसको फ्राई करिए। और अभी थोड़ा शुगर भी डालूंगी इसमें। सॉल्ट ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि हम सोया सॉस डाले हैं। शुगर पिंच ऑफ शुगर डाली हूँ मैं, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। फिर इसमें ऑनियंस डालेंगे। अगर आपको ऑनियन फ्राई चाहिए तो फ्राई भी कर सकते हो, मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा ही इसको पकने दूँगी। और अभी यहाँ पर ग्रीन पीस डाल रही हूँ। ग्रीन पीस नहीं, सॉरी, बीन्स डाली, अभी ग्रीन पीस डाल रही हूँ और कैरेट भी डाल रही हूँ। बीन्स, कैरेट, ग्रीन पीस को डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपके पास जो जो वेजिटेबल है वो भी डाल सकते हो आप, पत्ता गोभी और स्प्रिंग ऑनियन, ये सब कुछ डालने से और भी टेस्ट अच्छा से आएगा। मेरे पास जो है मैं वो इनसे बना रही हूँ। और ये सब कुछ ज़्यादा भी पकना नहीं चाहिए, थोड़ा कच्चा कच्चा ही रहने से हमारा सेजवान राइस बहुत अच्छा आएगा। और ऐसा ही रहता है सेजवान राइस।
थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी इसको 2 मिनट तक। और यहाँ पर अच्छे से ये सब कुछ थोड़ा फ्राई हो गया है और सब कुछ डालने से और भी टेस्ट आएगा वेजिटेबल्स डालने से। आपको कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, कैबेज, ये सब कुछ डालने से और ही टेस्ट आएगा और ऐसे भी डालने से टेस्ट आएगा। और यहाँ पर मैं राइस डालूँगी अभी। यहाँ पर मैं रेगुलर राइस ली हूँ, आपको चाहिए तो बासमती राइस भी ले सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी, धीरे धीरे मिक्स कर लीजिए इसको अच्छे से, सब कुछ अच्छे से मिलना है इसमें। मिलाते टाइम आपको हाई फ्लेम में रखना है। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है सेजवान राइस, और ये भी स्टोव ऑफ कर लीजिए। स्टोव ऑफ करने से पहले आपको टेस्ट देखकर ऑफ करना है, अगर आपको टेस्ट ठीक नहीं लग रहा है तो सॉल्ट, सेजवान चटनी डालकर और आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतना डालकर आप और अच्छे से मिक्स कर स्टोव ऑफ कर लीजिए। और यहाँ पर मेरा सेजवान राइस रेडी हो गया है और मैं इसको सर्व करूँगी अभी। और मेरी सेजवान राइस रेडी हो गया फ्रेंड, आप ज़रूर ट्राई करना और मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक अच्छे रेसिपी के साथ आपके साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।